जयपुर के पावटा स्थित भैसलाना गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं बिजली का झटका लगने के बाद मोर पेड़ से नीचे आ गिरा, जिस पर तीन चार श्वानों ने हमला कर दिया और इस दौरान मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इसके बाद मामले की सूचना LSA गोविंद भारद्वाज ने मौके पर वहां पहुंचकर घायल मोर का उपचार किया, जिससे मोर की हालत में काफी सुधार है। और इस मौके पर डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, महेश मुदगल, राजेश शर्मा, छात्र मोहित शर्मा, दिव्या शर्मा समेत अनेक लोग मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां अदालत के आदेश के बाद फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और FCI के क्वालिटी मैनेजर समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों पर 2.25 लाख बोरे का गेहूं गरीब किसानों से औने पौने दामों में खरीदने और फर्जी फर्म के नाम से रिकॉर्ड तैयार करने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद टाउन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर संदेश जारी करते हुए लिखा कि आज का दिन उन गुरुओं को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को सार्थक बनाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर में आज पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव कोरोना संक्रमण के चलते सादगी पूर्वक मनाया जा रहा है। यहां गुरु पूर्णिमा के दिन भी मंदिर और आश्रमों में कंठी दीक्षा का आयोजन बंद है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से निषेध है। हालांकि इस दौरान मठ मंदिर और आश्रमों में पूर्ववर्ती आचार्यों की चरण पादुकाओं का पूजन किया गया और इसी कड़ी में मानसरोवर स्थित चिंताहरण काले हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही सादगी से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिर में फूल झांकी सजाई गई और अनुयायियों ने गुरु महाराज की चरण वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत अति उत्तम है। दो प्रकार के गुरु हुआ करते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हमें वो शिक्षा देते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे जीविकोपार्जन अपने पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, और सद्गुरुदेव हमें वो शिक्षा देते हैं, वो मंत्र दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा करते हैं, दीक्षित करते हैं, जिस दीक्षा के मंत्र को लेकर के हम इस संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में अपने जीवन का उद्धार करें और ठाकुर की चरणारविंद में अपने जीवन को समर्पण करें। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां राजकीय चिकित्सालय में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविर में नसबंदी करवाने वाली दो महिलाओं की मौत हो गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ऐसे में BCMO ने नसबंदी ऑपरेशन करवाने वाली पांच दूसरी महिलाओं को तुरंत उनके गांव से वापस बुलाकर राजकीय चिकित्सालय भर्ती करवाया। वहीं दोनों महिलाओं की मौत के मामले ने तूल पकड़ दिया और जिसके बाद तहसीलदार रामस्वरूप मीणा और CMHO डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन यहां पर करवाया। ऑपरेशन हुए थे और इसमें दो महिलाओं की घर जाने के बाद लगभग दो घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। मृत्यु का कारण प्रथम दृष्टया तो हीट स्ट्रोक ही लग रहा है, गर्मी की वजह से बुखार आया तेज, इसकी वजह से लग रहा है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवा रहे हैं मेडिकल बोर्ड। चलिए, फिलहाल सूरतगढ़ से संवाददाता संजय चौधरी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए, दो महिलाओं की यहाँ पर मौत हुई, कोई ना कोई लापरवाही चूक हुई होगी, ऐसे अचानक दो घंटे के बाद मौत होना संशय की स्थिति यहाँ पर पैदा करता है।
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कल एक शिविर आयोजित किया गया जी। इसमें नसबंदी का ये जो कार्यक्रम था, इसमें 7 महिलाओं की नसबंदी की गई जी। इस दौरान इन सब महिलाओं को ऑपरेशन के बाद में इन सबके अपने घर भेज दिया गया जी। घर भेजने के बाद में 2 महिलाओं शारदा और संतोष जी, इन दोनों की घर पर पहुंचने के बाद में काफी तबीयत बिगड़ गई जी। जब इन्हें यहाँ पर सूरतगढ़ लाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जी। इसको लेकर परिवारों में काफी होश था और आनंद फानंद में फिर चिकित्सालय स्टाफ ने जो 5 महिलाएं जिनको उनके घर भेज दिया गया था उनको वापस गाड़ियों से सूरतगढ़ के चिकित्सालय में लाकर उन्हें एडमिट करवाया गया जी। संजय फिलहाल, हाँ संजय फिलहाल यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? BCMO मनोज अग्रवाल हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो कल ऑपरेशन किए गए वो 7 महिलाओं के थे, उनमें से सभी महिलाओं को घर भेज दिया गया था, 2 की मौत हो जाने के बाद में 5 को वापस हमने बुला लिया। और जो ऑपरेशन ये जो गड़बड़ी की बात आप कर रहे हैं उसमें ये है कि देखिए हमारे उससे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर अधिक होने के कारण और उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं उस वजह से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिसके कारण उनकी मौत हो गई। संजय फिलहाल बाकी जो 5 महिलाएं हैं जिन्हें वापस बुलाया गया है उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत एकदम अभी ठीक है और 5 को जनरल में शिफ्ट कर दिया गया है और हॉस्पिटल प्रशासन पूरी उन पर नजर बनाए है। सुबह यहाँ पर पूर्व विधायक गंगाजल मिश्र पहुंचे और उन्होंने जो परिजन थे मृतकों के जो परिजन थे उनसे वार्ता की और उन्हें कहा कि आपको जो भी चाहिए जो आपकी सुविधाएं हैं आपके लिए जो सरकार की ओर से जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपको दी जाएंगी और इनका पोस्टमार्टम करवाकर शव आपको सौंप दिया जाएगा। परिजन इस बात को लेकर राजी हो गए थे परंतु अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाजपा के विधायक राम प्रताप कासनिया अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे और बाहर एक बार चिकित्सालय स्टाफ के साथ भी तनातनी का माहौल हो गया था। सिटी पुलिस मौके पर तैनात है जी। संजय कहीं ना कहीं संशय अभी भी बरकरार है, देखिए परिजनों की ओर से क्या कुछ सामने आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा गया है कि टेम्परेचर ज्यादा था, खाना पीना उनका नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से, लेकिन उनके परिजन फिलहाल क्या कह रहे हैं इसे लेकर? उनके परिजन ये कहना है कि ऑपरेशन करने के बाद में ही यहाँ से उन्हें घर भेज दिया गया और यहाँ पर जब ऑपरेशन जब चल रहा था उस दौरान भी किसी मतलब कूलर की अब एसी की कोई व्यवस्था नहीं थी, मात्र गैलरी में ये लेटे हुए थे। उसके बाद में जब इनको घर भेज दिया तो गर्मी तो थी नो डाउट, बट वो जो सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली उनको यहाँ पर। उनका आरोप है कि यहाँ पे जो चिकित्सालय का जो स्टाफ है वो भी बेहतर है। परसों की एक घटना है, जो डॉक्टर दर्शन सिंह जो इस टीम के प्रभारी थे जिन्होंने ऑपरेशन किया उनके लड़के जो है डॉक्टर है उन्होंने भी एक ANM से शराब के नशे में अभद्रता की थी जिसकी शिकायत एक ANM ने 181 पर कर रखी है जी। संजय कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, मीडिया द्वारा भी अवगत करवाया जा चुका है कि जो लापरवाहियां हैं उनको आप थोड़ा सुधार करें, परंतु यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रभारी की ओर से। प्रभारी भी 1 महीने के अंदर 22 दिन तो टूर पर रहते हैं तो इसको भी लेकर बड़ा है कि वो पूरा उसमें नजर नहीं बनाए रख सकते, सब तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं है चिकित्सालय में। संजय फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की यहां पर मौत हुई, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही से यहां पर पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तुरंत उन महिलाओं को छुट्टी दे दी गई अस्पताल में, उनके लिए इतनी गर्मी में भी कूलर या पंखे की वहां पर व्यवस्था नहीं थी। सिरोही के पिंडवाड़ा में दर्दनाक हादसा, 20 फीट गहरी नदी में तेज रफ्तार कार गिर गई। हादसे में 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हुए। जयपुर से अहमदाबाद ये कार सवार जा रहे थे, सभी घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 20 फीट गहरी नदी में तेज रफ्तार कार गिर गई, जयपुर से अहमदाबाद ये लोग जा रहे थे, फिलहाल इलाज लगातार इनका जारी है। तेज रफ्तार ये कार थी और 20 फीट गहरी नदी में जाकर गिर गई।